देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान के घर फायरिंग के आरोपी पर खुलासा हुआ है, एक आरोपी की पहचान हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विशाल कालू है आरोपी का नाम, सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। गुरुग्राम का रहने वाला है आरोपी, सूत्र ये भी बता रहे हैं। गुरुग्राम के महावीरपुरा का रहने वाला है आरोपी विशाल कालू, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर आज सुबह 5 बजे के आसपास फायरिंग हुई, उसके बाद से मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी और अब दो आरोपियों की पहचान हुई है। उनकी तस्वीरें भी जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है और इसके साथ ही साथ इनका राजस्थान और हरियाणा का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का सुराग हाथ लगा है। दोनों हमलावरों की तस्वीरें सामने आई है। एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है जबकि दूसरा लाल टी शर्ट में है। दोनों हमलावर हरियाणा और राजस्थान के हैं। रोहित गोदारा गैंग के हैं दोनों शूटर। कई वारदातों का आरोपी है गैंगस्टर गोदारा, मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। क्योंकि आप देखिए जो ये दोनों हमलावर हैं जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की, ये गोदारा गैंग से जुड़े हुए हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इनका हरियाणा और राजस्थान से कनेक्शन है। जी न्यूज ने ही आपको सबसे पहले इन दोनों ही हमलावरों की तस्वीरें दिखाई और इनका सीसीटीवी फुटेज दिखाया, कैसे एक मोटरसाइकिल पर आकर महज 5 सेकंड में हमला कर बाहर फायरिंग कर वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस इनकी तलाश में है और मुंबई पुलिस आगे जांच कर रही है। तो देखिए ये पूरी घटना आज सुबह 5 बजे के आसपास की है और जिस तरह से सलमान खान को समय समय पर लगातार धमकियां मिलती रहती हैं उससे सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। लेकिन आज जो ये पूरा घटना हुआ है मुंबई में, उसके बाद एक बार फिर से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान को इससे पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। ऐसे में सलमान के घर के बाहर फायरिंग की घटना से उनके करोड़ों फैंस टेंशन में हैं। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से बातचीत कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। लेकिन कौन है सलमान का दुश्मन? बॉलीवुड के टाइगर को किससे खतरा है? सलमान के घर के बाहर फायरिंग पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा हूं। जिस एक्टर के फिल्मी डायलॉग सुनकर सिनेमा घरों में फैंस की तालियों की गड़गड़ाहट रुकती नहीं, उसके घर सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो देश और दुनिया भर में मौजूद सलमान के फैंस टेंशन में आ गए। सलमान खान जिस बालकनी में खड़े होकर ईद पर अपने फैंस को शुभकामनाएं दे रहे थे, उसके बगल की दीवार पर बुलेट्स के निशान दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की खबर आई तो महाराष्ट्र की सियासत से लेकर पूरा मनोरंजन जगत हक्का बक्का रह गया। बॉलीवुड का टाइगर खतरे में है, लेकिन ये खतरा किससे है? कौन बड़ा है सलमान खान का दुश्मन? सलमान के घर के बाहर की गई इस गोलीबारी का असली मकसद क्या है? ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए सलमान के घर बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुबह सुबह क्या हुआ। मुंबई में रविवार की सुबह रोज की तरह भागती दौड़ती नहीं होती बल्कि थोड़ी सी अलसाई रहती है। लोग लगातार काम करके संडे को थोड़ा आराम करना चाहते हैं, लेकिन इस रविवार बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने सुबह सुबह तेज रफ्तार बाइक पर सवार दो हमलावर फिल्मी अंदाज से गुजरते दिखाई देते हैं। सलमान के घर के बाहर और आसपास मौजूद सीसीटीवी में इन हमलावरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह हमलावरों की बाइक सलमान के घर के सामने धीमी हुई। पीछे बैठे हमलावर ने पिस्टल निकालकर सलमान के घर की तरफ फायरिंग की। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई और फिर हमलावर तेजी से आगे की ओर निकल गए। इन्हीं हमलावरों की चलाई गई गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के लोगों की नींद खुल गई। पहले हमलावरों के हवाई फायर करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन वीडियो में नजर आ रहा है कि फायरिंग सलमान के घर की तरफ की गई, जिसकी वजह से सलमान का घर जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में मौजूद है उसकी दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। जब ये पूरा हादसा हुआ या कहीं की गोलीबारी हुई
उस वक्त सलमान खान अपने घर पर अपने परिवार के साथ थे उस घर में। उसके बाद जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, पूछताछ की जाती है, जो बुलेट राउंड्स हैं उन्हें प्राप्त किया जाता है। करीबन 5 राउंड चलने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि 4 शेल और 1 जो कारतूस है वो बरामद किया गया है। सलमान के घर पर फायरिंग करने के लिए 2 हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने अपने चेहरों को छुपाकर रखा था। सलमान के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की बात की जा रही है। गोली चलाकर ये हमलावर तेजी से फरार हो गए, लेकिन सीसीटीवी में इन हमलावरों की तस्वीरें कैद हैं। इन दोनों हमलावरों की तस्वीर भी सामने आई है और पहचान भी हो गई है। सीसीटीवी तस्वीरों में लाल टी शर्ट वाला हमलावर विशाल उर्फ कालू है। इन दोनों हमलावरों ने गोलियां बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय चेहरे के घर पर चलाई थी। ऐसे में खबर मिलते ही पुलिस भी एक्टिव हो गई। हमलावरों की पहचान के लिए सबसे पहले सीसीटीवी के DVR जब्त किए गए, क्योंकि यही हमलावरों की पहचान के सबसे अहम सबूत है। सुबह 5 बजे 2 बाइक सवार लोग थे, जिन्होंने हवा में फायरिंग की थी और उसके बाद वहां से बाइक पर भागे थे। तो हमने इस बेसिस पर FIR रजिस्ट्रेशन का काम चालू किया है और हमने टीम्स लगाई है, बहुत सारी टीम्स लगाई है, और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी हम इन क्रिमिनल्स को पकड़ें। बात सलमान खान से जुड़ी थी तो खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन उठाकर सलमान खान से बात की। एकनाथ शिंदे ने सुरक्षा को लेकर सलमान खान और उनके परिवार को आश्वस्त किया है। एकनाथ शिंदे ने खुद पुलिस कमिश्नर से बात करके सलमान के घर की सुरक्षा पुख्ता करने की बात कही। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उसकी जांच कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और सलमान में पुलिस को कमिश्नर जी को सूचना दी हुई है कि सलमान खान की और उनके परिवार की पूरी तरह सुरक्षा जो है उसकी जायजा लिया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं खुद सलमान खान जी से बात की हुई है और उन्हें कहा है सरकार आपके साथ है, कोई चिंता की बात नहीं। जिस शख्स की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री खुद इतने सजग दिखाई दे रहे हैं, जिस अभिनेता का स्टारडम 3 दशक से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद बॉलीवुड फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है, आखिरकार उसके घर के बाहर गोली किसने चलवाई? इसकी पड़ताल के लिए सलमान को धमकी देने के पुराने सभी मामलों को टटोला जा रहा है। मुंबई पुलिस ने 15 से ज्यादा टीमें बनाकर हमलावरों को तलाश करने का अभियान शुरू कर दिया है। हमारी काफ़ी टीम्स हैं, करीब 15 से ज़्यादा टीम्स हैं जो इस पे साथ में काम कर रही हैं। और अभी जो हमारा एम है, इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोपी हैं उनको हम जल्दी पकड़ें। दबंग एक्टर पर हमले की साजिश किसने रची, इस पर पुलिस अब तक खामोश है। लेकिन सलमान के घर के बाहर गोली चलाने के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम, क्योंकि सलमान के साथ लॉरेंस के रावत की कहानी आज की नहीं, काफी पुरानी है। और अब जब फायरिंग करने वाले बदमाशों का नाम, तस्वीर और वो जिस रवि गोदारा गैंग से जुड़े हैं उसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है, तो इस हमले का मकसद भी जल्द सामने आ सकता है। नीरज शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। चलिए अब आपको बताते हैं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी कैसे काला हिरण शिकार के बाद शुरू हुई और लॉरेंस बिश्नोई सलमान का दुश्मन बन गया। सलमान खान के घर के बाहर गोलियां किसने चलवाई, इसका मकसद क्या था, इस मामले में पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन शक की सुई जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा घूम रही है वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का दुश्मन नंबर एक है, जिसने सलमान खान के गुरूर तोड़ने की बात आज से पहले कई बार की है। लेकिन सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वजह क्या है, इसे समझने के लिए आपको आज से लगभग 25 साल पहले की उस घटना को समझना होगा, जब सुपरस्टार सलमान खान पर बिश्नोई समाज के लिए पवित्र माने जाने वाले काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई सलमान को अपना दुश्मन नंबर एक समझता है। काले हिरण के शिकार के बाद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। इससे पहले भी कई बार सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसके घर और फार्म हाउस की रेकी की थी। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई ने इसी वजह से सलमान के घर के पास हमला करवाया? ये बात लॉरेंस की ओर से स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त एक पोस्ट वायरल है
जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सलमान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया है। हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को, और मत परखो, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। बाकी ज्यादा बोलने की हमको आदत नहीं। इस वायरल पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराल ग्रुप, काला जठेड़ी ग्रुप, रोहित गोदारा ग्रुप का नाम लिखा है। हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से इस वायरल पोस्ट की सत्यता को पुष्ट नहीं किया गया, लेकिन इसके बारे में काफी बातें की जा रही हैं कि गोल्डी गैंग के अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में बैठकर यह हमला करवाया है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग को आज भी उसके साथ ही विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुंबई पुलिस को कुछ अहम सुराग मिल चुके हैं जिसका खुलासा वो जल्द करेगी। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस, जिसकी 15 टीम में सलमान के घर के बाहर हमले की साजिश के तारों को खोलने में लगी है, वो फिलहाल पूरी जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। सर, जांच प्रक्रिया लगातार जारी है, सुबह से हम देख रहे हैं कई टीमें पहुंच रही हैं। कितनी टीमें आप लोगों ने गठित की हैं आरोपी की तलाश में? हमारी काफ़ी टीम्स हैं, करीब 15 से ज़्यादा टीम्स हैं जो इस पे साथ में काम कर रही हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार क्या हुआ था लगभग 25 साल पहले, जिसने लॉरेंस बिश्नोई को सलमान का दुश्मन बना दिया। तब सलमान खान 1998 में सूरज बड़ताजिया की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान 16 सितंबर 1998 को जोधपुर के पास सलमान पर चिंकारा के शिकार के आरोप लगे। 2 अक्टूबर 1998 को बिश्नोई समाज ने सलमान और उनके को स्टार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। 28 सितंबर 1998 को शूटिंग के दौरान सलमान पर एक और चिंकारा के शिकार का आरोप लगा। 10 अप्रैल 2006 को ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी माना और 25,000 जुर्माने के साथ साथ 5 साल की सजा सुना दी। 21 अगस्त 2007 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को दी गई सजा को निलंबित कर दिया, जबकि 25 जुलाई 2016 को सलमान खान को 1998 के जोधपुर काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अभी भी सलमान खान काले हिरण के शिकार से जुड़े मामलों से निकल नहीं पाए हैं। इधर लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और सुर्खियों में आया। तब से लेकर अब तक एक दो बार नहीं, कई बार बिश्नोई ने बयान दिए हैं कि वो काला हिरण शिकार मामले में सलमान को सबक सिखाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को प्रायश्चित के लिए बीकानेर में स्थित बिश्नोई समाज के एक मंदिर में जाकर माफी मांगने के लिए भी कहा है। हमने इस मामले में बीकानेर में जाकर भी पूछताछ की, आखिरकार बिश्नोई समाज इस मामले को कैसे देख रहा है। यहाँ पर बिश्नोई समाज ने लॉरेंस बिश्नोई से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। जीव दया एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बिश्नोई समाज हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। बिश्नोई समाज में पैदा होने वाले बच्चे को जीव रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा की सीख दी जाती रही है। ऐसे ही बिश्नोई समाज के लोगों ने साफ कर दिया कि आपराधिक और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन बिश्नोई समाज ने जी न्यूज़ को ये जरूर बताया कि क्यों काला हिरण उनके लिए बेहद पवित्र है, जिस वजह से समाज काले हिरण की हत्या का विरोध कर रहा है। पेड़ काटना तो बिल्कुल ही जीव हत्या, और पेड़ काटना अगर हमारे आंखों के सामने या हमारी जानकारी के अंदर कहीं भी हो रहा हो तो बिल्कुल हम इस चीज़ को गुरु महाराज की जो कही हुई बात, स्वयं विष्णु भगवान की जो कही हुई वाणी है, उसी का हम पालन करते हैं। और ये सनातन नियम भी है, इसलिए हम इसका जो समर्थन करते हैं, इसकी रक्षा भी करते हैं। फिलहाल सलमान खान के घर के बाहर हमले के बाद उनके घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हमलावरों को तलाश करने के लिए बारीकी से पड़ताल की जा रही है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में अगर लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका सामने आती है तो ये भी तय है कि गैंगस्टर और उसके गुर्गों पर मुंबई पुलिस का शिकंजा और कस सकता है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और बीकानेर से रौनक व्यास के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। Z News.